अश्विनी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन और है? इसके फेज टू के ट्रायल्स कनाडा में हो चुके हैं सर, और वो लोग रिजल्ट अवेट कर रहे हैं। अश्विनी, और क्या इन्फॉर्मेशन है? जी देखिए, इमरजेंसी अप्रूवल के लिए जो है कह दिया गया है यूके और कनाडा में, इसका इमरजेंसी अप्रूवल की बात जो है चल रही है। भारतीय एजेंसियों से भी बातचीत चल रही है, हालांकि अभी तक भारत की जो अलग, चाहे ICMR हो या फिर अलग एजेंसियां, उनकी तरफ से इस पर अभी कुछ कहा नहीं गया है। इंग्लैंड में इसका प्रोडक्शन भी शुरू किया गया है, ताकि इमरजेंसी अप्रूवल के तत्काल बाद इसे लोगों के इलाज में इस्तेमाल भी जो है किया जा सके। 7000 और अलग अलग फेज, दो फेजेस हुए हैं उसमें 7000, और एक अन्य आंकड़ों के हिसाब से जो है जो ट्रायल चल रहे हैं उसमें इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। 95% जो कोरोना वायरस के संक्रमण जो नाक के रास्ते गया था वो जो है उसमें नष्ट हुआ, और 72 घंटों में जो है करीब 99% वायरस नष्ट हुआ है। तो ये बहुत राहत की खबर है। निशांत, आप समझिए, रोजाना हम टेलीविजन पे देख रहे हैं कि लाशें जल रही हैं, मौतें हो रही हैं, इन सब के बीच एक पॉजिटिव खबर है ये। और यकीन मानिए, अगर ये जिस तरह से इमरजेंसी अप्रूवल हो जाता है और इस पर इलाज शुरू होता है, तो ये मानवीयता के लिए बहुत बड़ी और बहुत राहत वाली खबर है। फिर इनफ। अश्विनी, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं डॉक्टर नीलम के पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले कुछ और डिटेल आपके सामने। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, क्योंकि साइड इफेक्ट नहीं है, देयर नो हार्म। अगर कोई साइड इफेक्ट नहीं है देन व्हाई नॉट, लेट्स प्ले। यहां पर WHO के मुताबिक दुनिया की कई कंपनियां कोरोना को खत्म करने के लिए नेजल स्प्रे बना रही हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। 30 अप्रैल 2021 को WHO की अपडेटेड लिस्ट के मुताबिक करीब 8 कंपनियां नेजल स्प्रे बना रही हैं। सैनोटाइज ही ऐसी कंपनी है जो नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे बना रही है। बाकी कंपनियां वायरल वेक्टर या प्रोटीन सब यूनिट से नेजल स्प्रे बनाने की रिसर्च कर रही हैं। अब मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ डॉक्टर नीलम है। मैम, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, बाकी वायरल वेक्टर, आप अगर मैं गलत दूं तो कोविशील्ड जैसे प्रोटीन की अगर बात की जाए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये इकलौता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड है। अगर आप इसमें थोड़ा सा और क्लैरिटी डालें, ये कैसे एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट हो सकता है? निशांत, मैं नीलम निशांत जैसे बहुत ही एक्साइटेड हूं, जैसे आप एक्साइटेड है उतनी एक्साइटेड हूं, बिकॉज जहाँ इतना कुछ बकवास चल रहा है, इतने एंटीबायोटिक्स, इतना जो इलाज चल रहा है, जैसे आप बता रहे, इतना दुख दर्द और इतना मेंटल ट्रॉमा, ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, ये सब देखते हुए तो मुझे तो ये बहुत खुशी की मौका दिख रहा है कि, तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि येस यू आर राइट, वैंकूवर और यूके में ये रिसर्च चलते हुए फेज टू ट्रायल्स हो गए हैं। नॉर्मली फेज थ्री ट्रायल्स तक हम इमरजेंसी अप्रूवल नहीं देते हैं, लेकिन इजराइल और बहरेन ने अप्रूवल दे दिए, विच इज कॉल्ड EUA, इमरजेंसी अप्रूवल उन्होंने उसको दे दिया। तो मैं खुद ये आपको ये बताना चाहूंगी कि ये वैक्सीन नहीं है, आपने थोड़ा सा वर्ड ऐसे यूज किया, क्योंकि ये वैक्सीन नहीं है, ये पोस्ट एक्सपोजर यूज करना है। मतलब अगर आपको लगता है आपको एक्सपोजर हुआ, तो फर्स्ट पोस्ट एक्सपोजर, जैसे आप सैनिटाइज कर रहे हैं सिमिलरली उस तरीके का इट इज देयर, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड डिस्ट्रॉयज एनी वायरस एंड माइक्रोब्स। स्मॉल अमाउंट में दिया गया तो वो वायरस को कर रही है, जैसे दूसरे डॉक्टर साहब ने क्या, श्याम जी ने, अगर वो डिले किया और वायरस आपके लंग में घुस गई है तब आपका असर नहीं होगा। तो दिस इफेक्ट इज इन द इनिशियल, ये जो कर रहे हैं, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेके। जो साइड इफेक्ट्स नॉर्मल नाइट्रिक ऑक्साइड के होते हैं वो होता है ब्लड प्रेशर कम हो जाना, डिजीनेस, हेडेक, किडनी के प्रॉब्लम्स, पेशाब में खून आना। तो ये बहुत ज़रूरी है जो यूज़ करते हैं, जैसे इंडियंस को लगता है कोई चीज़ है तो ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा मर जाएगी, तो ये काम नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसके स्मॉल अमाउंट से भी वो वायरस किल हो जाएगी। यू डोंट नीड टू ओवरडोज, बिकॉज ओवरडोज से गिडिनेस एंड हाइपोटेंशन एंड ब्लड प्रेशर एंड यूरिन ब्लड, ऑल दैट साइड इफेक्ट्स होंगे। तो जो फेज टू ट्रायल्स है तब तक अच्छे हैं, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं, आप जो बता रही हैं, थैंक यू, ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।